दसवीं कक्षा के बच्चे। नहीं दोस्तों, मैं आज जो दसवीं कक्षा के बच्चों का जो रिजल्ट आया, मैं उसके बारे में बात नहीं करने जा रहा। मैं तो एक कहानी का शीर्षक बता रहा हूँ आपको। ये कहानी जैसे मैं सुनाता हूँ हमेशा, जो अंत में कोई ना कोई ट्विस्ट होगा, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। मैं राजीव शर्मा, स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर। दसवीं कक्षा के बच्चे, कहानी शुरू करते हैं। एक स्कूल में प्रिंसिपल साहब सारे शिक्षकों की मीटिंग ले रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अब वहां पर क्या था कि सभी सब्जेक्ट से बड़ा स्कूल था, तो इंजीनियरिंग जो पढ़ाते थे शिक्षक, वो खड़े हुए। मतलब अब ठीक है, स्कूल में इंजीनियरिंग नहीं होती है, लेकिन इंजीनियरिंग तो पढ़ाई जाती है ना किसी ना किसी तरीके से। उसमें जो है, चाहे उसका रोल तो आ ही जाता है। टीचर तो मैथ्स के थे, लेकिन अब मैथ्स और इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समानताएँ होती है ऐसा मुझे बताया गया है। मुझे तो ना इंजीनियरिंग आती ना मैथ्स। तो वो कहते हैं कि सर एक समस्या है। क्या समस्या है? कहते ये जो दसवीं क्लास के बच्चे हैं ना, ये बहुत जानने वाली चीज है। कहते दसवीं क्लास कौन सा सेक्शन है? तो वो कहते प्रिंसिपल, कहते चार सेक्शन है, कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो? कहते 10D सर। तो बाकी और भी टीचर कहते हाँ 10D वाले बच्चे बहुत जालिम है, बहुत ज्यादा तेज है, और भी कई सारे शुरू थे। हाँ तो चोपड़ा जी आप बताइए, आप क्या बता रहे थे? आप क्या वो मैथ्स नहीं पढ़ते क्या आपसे? कहते नहीं सर, मैं एक दिन क्लास ले रहा था, देखा अब कोएड स्कूल था, तो लड़के लड़के आपस में पीछे पीछे वाली रो में बैठे हुए, और आपस में बात कर रहे थे। कहता फिर क्या किया आपने? आपने सजा दी उनको? कहता सजा क्या देता, मैं तो उनके पास गया और पूछा क्यों भाई क्या हो रहा है। तो वो इतना मसरूफ थे आपस में बात करने में, और जब मैं उनके पास पहुंचा तब तक बात कर रहे थे। जब मेरी बात आवाज निकली तब उन्होंने पलट के देखा। फिर कहता सर तुम मेरे लेक्चर सुन नहीं रहे, मैं जो सवाल पूछा है, 40 मजदूर 40 फुट की दीवार को अगर 4 दिन में बनाते हैं, तो 4 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? कहते सर उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। कहते अच्छा क्या डिस्कशन हो रहा था भाई? कह रहे सर हमने तो एक तकनीक ईजाद कर ली है कि उस दीवार से उस पार देखो बिना दीवार को तोड़े हुए। कहते अच्छा वो कैसे, क्या तकनीक है भाई? कहते सुराख करके। कहते इतने बदतमीज बच्चे हैं ये। तो बायोलॉजी का टीचर वो खड़े हुए, शुक्ला जी कहते सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे। कहते दसवीं डी के बच्चे जो है इतने इतने आतताई हैं कि मैंने एक मेंढक लेबोरेटरी में था, मेंढक के ऊपर प्रयोग चल रहा था, कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है उनको ये बता रहा था, उनको ये बताया रहा था कि भाई किस तरह से जब मैं कहता हूं उछलो तो मेंढक उछलेगा। मेंढक कोई कुत्ता नहीं है, यह घोड़ा नहीं है, यह बिल्ली नहीं है, जो ट्रेन्ड एनिमल होता है। कंडीशन रिफ्लेक्स, जब हम बार बार एक चीज को किसी को बोले तो वो कंडीशन रिफ्लेक्स में तब्दील हो जाता है। क्या होता कंडीशन रिफ्लेक्स? मैं उनको प्रैक्टिकल डेमो दे रहा था।
कहता वो कैसे? कहता सर मैंने मेंढक की एक टांग एक धागे से बांध दी, पिन से अटैच कर दिया उसको। पहले तो उसको बोला कि भाई मेंढकों का उछलो, उछला वो चारों टांगों से, फिर एक टांग धागे से बांध दी, फिर का उछलो, उछला, फिर दूसरी टांग भी बांध दी, तीसरी टांग भी बांध दी, फिर का उछलो तो भी उछला। कहता जब चौथी टांग भी धागे से बांध दी और मैंने कहा उछलो तो वो नहीं उछला। तो मैंने बच्चों से पूछा इससे क्या पता लगता है? कहता जी दसवीं क्लास का डी 10D का जो मॉनिटर है वो खड़ा हुआ और कहता है इससे ये पता लगता है सर कि अगर मेंढक की चारों टांगे बांध दी जाए तो वो बहरा जाता है। कहता अच्छा। अब इतने में फिलोसफी के टीचर खड़े हो जाते, कहता सर ये 10D के बच्चे इतने चालू हैं, इतने चालू हैं, मैं बताऊं आपको क्यों, क्या हुआ भाई? अरे सर उस दिन तो उन्होंने हदी कर दी, मैं उनको ये बता रहा था कि किस प्रकार से भूख जो होती है वो इंसान का सर्वोपरि एक फीलिंग कह लो या पैशन कह लो या वो जरूरत है। कहता फिर तो कह रहा सर मैंने उनको ये बता रहा था कि भाई देखो मैं एक उनको लाइव डेमो दे रहा था, एक पिंजरे में एक सफेद चूहिया थी और उस पिंजरे में मैं एक चूहे को एंट्री कराने से पहले एक ब्रेड का टुकड़ा डाल देता हूं उस पिंजरे में और वो चूहा सीधा ब्रेड के टुकड़े में जाता है, चूहिया को इग्नोर करता है। कहता फिर तुमने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया यार। कहता सर दूसरे दिन मैंने वही चीज मैंने रिपीट करी एक रोटी के टुकड़े से, तीसरे दिन रिपीट करी एक सेब के टुकड़े से, तीनों बार चूहा सीधा खाने पे गया, चूहिया को इग्नोर किया उसने। तो मैंने कहा तुम्हें समझ आया बच्चों कि जो भूख होती है ये सबसे ऊपर होती है, सबसे इससे ऊपर कुछ नहीं होता। कहता फिर वही 10D का मॉनिटर और उसके साथ एक लड़की, दोनों खड़े हो गए और पता क्या वो लड़की क्या बोलती है? मैंने जब लड़की को कहा तुम जवाब दो क्या बोलना चाहती हो, लड़की कहती है सर आपका सवाल ही गलत है, आपका एक्सपेरिमेंट ही गलत है। मुंह पे कह रही है मेरे को मेरा एक्सपेरिमेंट ही गलत है। तो प्रिंसिपल कहता अरे क्यों भाई कैसे? कहता वही मैंने पूछा कैसे, तो लड़की कहती है कि सर चूहिया को बदल के देख लो वो जरूर उसकी पत्नी रही होगी। अब ना तो बात कंप्लेंट जारी रहती, कहीं काफी वक्फा निकल जाता है। तो प्रिंसिपल कहता है कि देखो भाई साहब मैं जानता हूं 10D के बच्चों का मैं भोगी रह चुका हूं, मैं इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता। वजह यह कि इसमें जो इस क्लास के जो बच्चे अधिकतर वो लोग हैं जो हमारे बोर्ड के मेंबरान के बच्चे हैं, जो गवर्निंग बोर्ड के, मेरी इतनी औकात नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि इनके खिलाफ मैं कुछ कर सकूं। तो अभी तुम झेलो उसको जैसे मैंने झेला। आपने झेला? कह रहा यार अब बहुत शर्म की बात है, बताता हूं तो मैं किस्सा मेरे साथ। कहता तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो इन्होंने मेरी चड्डी तक उतरवा ली। कहता चड्डी उतरवा ली? तो अब लकीली उस वक्त रूम में कोई महिला सदस्य महिला टीचर नहीं थी, तो शायद इसी वजह से प्रिंसिपल ने कोई ये लगा कि भाई ये वाक्य भी सुना दे उनको, जिससे वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, हम एक्शन ले नहीं सकते। कहता क्या हुआ? कह रहे अरे भाई ये जो 10D का मॉनिटर है ना ये हमारे चेयरमैन का बेटा है। कहता ये तो अभी 10वीं क्लास में ऐसा है, अभी जाके क्या करेगा? कहता क्या हुआ? कह रहे तुम्हें पता है ये बैटिंग करता है। कहता बैटिंग?
मतलब क्रिकेट खेलता है, कहता अरे वो बैटिंग नहीं, बैटिंग बॉलिंग नहीं, ये शर्त लगाता है। कहता शर्त लगाता है? कहता हाँ मुझे लोगों ने ये कंप्लेंट करी कि ये शर्त लगाता है, तो मैंने से पूछा कभी तू शर्त क्यों लगाता है? कहता मैं जीतता हूं लगाता हूं शर्त। तो कहता अच्छा, कहता मेरा पेशा है? कहता तेरा पेशा अभी से तेरा पढ़ना है कि भाई शर्त लगाना? कहता सर ये मेरा साइड बिजनेस है, आपको यकीन नहीं तो शर्त लगा लो। कहता लगा शर्त? कहता मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि कल आपने कौन से रंग की चड्डी पहनी होगी ठीक 10 बजे। कहता अच्छा चल बता। मैं लगा ली शर्त, अगले दिन 10 बजे मैं आ गया और मैंने से पूछा कि बता मैं चड्डी पहन के नहीं है जानबूझ कर। कहता बता क्या कलर है मेरी चड्डी का? कहता लाल रंग की है। कहता झूठ? कहता दिखा। कहता पहले 500 रुपये लाओ जो शर्त के है। कहता 500 रुपये दे दूंगा पहले। कहता नहीं नहीं दिखाओ तो सही भाई कि भाई मैं शर्ट जीत गया, तो वो पैंट उतार उतार के दिखा देता कि मैं तो शर्ट मैंने पहनी। कहता 500 रुपये लेने के लिए आपको बाहर चलना पड़ेगा, मेरे पिताजी बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। वो गाड़ी में जाता है उसको लेकर प्रिंसिपल को, और पिताजी को कहता है निकालो 1000 रुपये, उनको नंगा देख लिया मैंने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप राजीव किशकिंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।